हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज आपका पार्ट नंबर 10 शुरू करेंगे, जो कि है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये छोटा सा चैप्टर है, बट इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसको हम जल्दी से कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है आपका। हर मल्टीपल अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन ही आता है एंड एमसीक्यू तो कंपलसरी है। तो इसीलिए चलो हम ये चैप्टर को शुरू कर देते हैं, पहले इलस्ट्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। और एक बात है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। और एक बात है, ये जो नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल एंड उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस आपका कॉमेंट में भी मिल जाएगा, कॉमेंट बॉक्स में। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। तो आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो की रहेगा आपका पेज नंबर 5 है। तो मेरे सामने क्वेश्चन भी है, तो आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें हमको मेनली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेटअप होगा। ठीक है, कौन सा हेड का लॉस, कौन सा हेड लॉस के साथ सेटअप होगा, इनकम के साथ सेटअप होगा। तो पहला है, पढ़ लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है कि मिस्टर ए एज है 35 ईयर्स है, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। पर्टिकुलर्स दे दिया एंड अमाउंट दे दिया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 4 लाख है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ये पीजीपीपी हेड के साथ कभी भी सेटअप नहीं हो पाएगा। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 70,000, तो वो सैलरी हेड के साथ सेटअप हो जाएगा। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, तो ये भी सेटअप हो जाएगा सैलरी हेड के साथ। बिजनेस लॉस है 1 लाख का है एंड बैंक इंटरेस्ट एफडी जो कि आईएफएस का प्रॉफिट है। ठीक है, इनकम है। तो कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 115 BS। तो चलो देखते हैं सेटअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें सैलरी हेड में कितना है, तो सैलरी हेड में टोटल अगर यहाँ पे देखें टोटल लॉस कितना हो रहा है, 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 हो रहा है, बट सैलरी हेड में है 4 लाख। बट यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में प्रोविजन देखे थे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड के इनकम के साथ मैक्सिमम 2 लाख सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे 4 लाख के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाख के साथ हम 2 लाख यहाँ पे सेटअप करेंगे, 2 लाख सेटअप करेंगे एंड इनकम यहाँ पे रहेगा 2 लाख है। ठीक है, सैलरी हेड का इनकम रहेगा 2 लाख एंड जो भी 20,000 है हाउस प्रॉपर्टी का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर को वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 लाख है बिजनेस का लॉस, वो सेटअप हो जाएगा यहाँ पे किसके साथ, आईएफएस का इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आईएफएस का इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा। तो इनकम था यहाँ पे 80,000, यहाँ पे वो सेटअप हो जाएगा 80,000 एंड जो भी बाकी रहेगा पीजीबीपी का 20,000 का लॉस, वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को। तो यहाँ पे नील हो जाएगा इसका इनकम एंड ओनली यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल इनकम होगा 2 लाख है, जो कि सैलरी का इनकम है। ठीक है, सैलरी का इनकम है 2 लाख। ये इजी क्वेश्चन आता है एंड ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है जिससे आपको कम टाइम लगेगा उसको बता रहे हैं, तो इसलिए हम जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 को चलते हैं। आ जाइए पेज नंबर 9 को, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यह है इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे मिस्टर बी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मिस्टर बी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 के लिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वो प्रोवाइड किया है, पर्टिकुलर्स दे दिया है एंड यहाँ पे अमाउंट दे दिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000, ये सेटअप हो जाएगा। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 22,000 में लॉस हुआ है, नेगेटिव में है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 4,000 लॉस है। तो ये स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव मीन्स आपका नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये सेटअप हो जाएगा 19,000। तो चलो यहाँ पे सेटअप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा ये दोनों के बीच सेटअप हो जाएगा। तो बैलेंस जो भी 21,000 रहेगा ये आपका रहेगा, इनकम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो भी लॉस है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो सेटअप नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो सकता है। एंड यहाँ पे टोटल 19,000 था प्रॉफिट एंड ये 25,000 था लॉस, तो यहाँ पे ये सेटअप हो जाएगा। बैलेंस जो भी 6,000 का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड यहाँ पे टोटल अगर इनकम देखेंगे 21,000 सैलरी हेड का इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम है 21,000 एंड कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे 22,000 का नॉन स्पेकुलेटिव लॉस बिजनेस लॉस एंड 4,000 का है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस एंड यहाँ पे 6,000 का है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो ये था आपका 21,000 क्या होगा, आपका इनकम होगा एंड कंप्यूट क्या करने के लिए बोला है, कंप्यूट व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, अज्यूम दैट डज नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 115 BS। ठीक है,
115 बीएससी वो आप नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, टेंशन मत लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले करेंगे उसके बाद बड़ा क्वेश्चन को जाएंगे। तो यह है इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या पूछा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022 मिस्टर सी हैज द फॉलोइंग इनकम एंड द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे दिया है। तो प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022 के लिए मिस्टर सी का फॉलोइंग इनकम है एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे दिया है, 40+ दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर दे दिया है 1.5 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 है, 96,000 लॉस हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 2021 एंड 2022 के लिए 37,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 में 75,000। तो यहाँ पे चार ही आइटम दिया है, 2 लॉस 2 इनकम है। तो पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे ये 1.5 लाख के साथ 37,000 सेटअप होगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, तो 37,000 डिडक्ट होने के बाद 1,13,000 यहाँ पे इनकम होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000, उसके साथ 96,000 लॉस सेटअप होगा, तो बैलेंस जो भी 21,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील हो गया है एंड ओनली 21,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एंड यहाँ पे टोटल इनकम है 1,13,000 है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 है टोटल इनकम है, ठीक है। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 3 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है यहाँ पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या दिया है, मिस्टर डी हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022। तो यहाँ पे मिस्टर डी का फॉलोइंग इनकम दिया है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022 के लिए। तो यहाँ पे 40+ दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है, ठीक है। तो पहला है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस 75,000। तो यहाँ पे ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का जो भी इनकम है वो ओनली सेटअप होगा लॉस के साथ, ओइंग मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। उसके बाद इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस मीन्स यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस है। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022 का लॉस है 50,000 यहाँ पे लॉस है। इनकम ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस 85,000 लॉस है 50,000। उसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 ये है 96,000 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो भी गेन है ओइंग एंड मेंटेनिंग का जो भी गेन है उसके साथ ये जो लॉस सेटअप हो जाएगा, तो लॉस सेटअप होने के बाद जो भी रहेगा बैलेंस यहाँ पे बैलेंस कितना रहेगा, 96,000 माइनस 75,000 है। तो जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पे 21,000 लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो भी लॉस रहता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को। उसके बाद यहाँ पे इनकम था टेक्सटाइल का 85,000 बट लॉस है 50,000 है, तो जो भी बैलेंस है 35,000 वो है इनकम। तो टोटल यहाँ पे इनकम कितना होगा, तो इनकम है मिस्टर डी का है 35,000, ठीक है। टोटल इनकम है डी का 35,000, टोटल इनकम यहाँ पे पूछा है तो 35,000, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या पूछा है, मिस्टर ई हैज फर्निश्ड द डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 मिस्टर ई का फॉलोइंग डिटेल्स वो फर्निश किया है। तो यहाँ पे है 40+ दे दिया एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये है कॉम्प्यूटेड ऑलरेडी है 1.5 लाख है। उसके बाद इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है 60,000 है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ये आपका सेटअप हो सकता है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ, ये सेटअप हो जाएगा क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेटअप होगा, बट अगर स्पेकुलेशन का प्रॉफिट वो सेटअप हो सकता है नॉन स्पेकुलेशन लॉस के साथ, तो वो सेटअप हो सकता है, ये दोनों के साथ सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30,000, ये सेटअप नहीं हो पाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी जी है ये इनकम है, तो ये इनकम तो आपका रहेगा। तो पहला है सैलरी का इनकम कितना है, ये सेटअप नहीं हो पाएगा, सैलरी का इनकम है आपका 1.5 लाख है इनकम है। उसके बाद यहाँ पे लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस सेटअप होने के बाद 60,000 के साथ, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस 20,000 ये इनकम बन जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये तो सेटअप नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, तो वो भी इनकम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ठीक है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये तो सेटअप नहीं हो पाएगा, ये तो इनकम बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे कितना होगा, ये होगा आपका 1,20,000, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 हो जाएगा टोटल इनकम, समझ आ गया। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। उसके बाद चलो चलते हैं, यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन खत्म हो जाता है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बाकी है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो पेज नंबर 20 को आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है,
compute the gross total income of Mr. A for the assessment year 2022-23 from the information given below. तो यहाँ पे GTI calculation करेंगे Mr. A का for the assessment year 2022 and 23 के लिए from the information जो भी दिया है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया एंड यहाँ पे रुपीस दे दिया है. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिया है कंप्यूटेड 1,25,000. उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 1,35,000. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिड्यूस होने से पहले 1,35,000, तो क्या करेंगे अगर डेप्रिसिएशन होगा करेंट ईयर का, तो पहले रिड्यूस करेंगे उसके बाद लॉस रिड्यूस करेंगे. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर है 56,000. तो यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर मीन्स वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 पिछले साल से, वो है 90,000 लॉस है. इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, तो यहाँ पे 1,20,000, तो इसमें क्या होगा 60% आपका बन जाएगा एग्जम्प्ट एंड 40% बन जाएगा आपका बिजनेस का इनकम, मीन 60% एग्रीकल्चरल इनकम है. उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ग्रॉस है 80,000, ये आपका बन जाएगा आईएफएस का इनकम एंड टैक्स हो जाएगा. उसके बाद करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 26,000 लेस होगा. उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इनकर्ड 6 ईयर को, तो वो सेटअप हो जाएगा 45,000. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इनकम है 1,25,000 है. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 1,25,000. उसके बाद है बिजनेस का इनकम, तो बिजनेस का है 1,35,000 है. उसमें से हम रिड्यूस क्या करेंगे, तो पहले ये जो इनकम से रिड्यूस करेंगे ये जो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा, तो डेप्रिसिएशन 26,000 रिड्यूस करेंगे. और क्या रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे एक 45,000 का एक है आपका लॉस है. ठीक है, ये एक लॉस है, ये भी सेटअप हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1,35,000 माइनस 26,000 माइनस 45,000, तो यहाँ पे बचेगा 64,000 टोटल बिजनेस का इनकम है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डाउट नहीं होगा. ठीक है, नहीं होगा. उसके बाद और क्या है, और यहाँ पे जो और एक है बिजनेस का क्या है, यहाँ पे टी बिजनेस है 1,20,000 है. इसमें से 60% एग्जम्प्ट हो जाएगा, 40% टैक्सेबल हो जाएगा. तो 40% कितना है हम कंप्यूट कर लेंगे, तो 1,20,000 का 40% अगर देखेंगे तो ये होगा 48,000. तो 48,000 यहाँ पे ये टैक्सेबल बन जाएगा. ठीक है, ये टैक्सेबल बन जाएगा. उसके बाद यहाँ पे ये जो 56,000 ये भी टैक्सेबल बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं होगा. तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये 90,000 ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और क्या बचा है, यहाँ पे डिविडेंड, तो डिविडेंड 80,000 ये भी टैक्सेबल बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ टोटल, तो हम टोटल कर लेते हैं. GTI पूछा है 64,000 प्लस 56,000 प्लस 48,000 प्लस 80,000, तो ये टोटल 3,73,000 यहाँ पे टोटल GTI बन गया है. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. वो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में है, ये है क्वेश्चन नंबर 2. क्योंकि इसका प्रोविजन हमारे जो नोट्स में पूरा एक पेज एंड आधा पेज में पूरा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, इसको पढ़ लीजिए तो आपका पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा. इसको पूरा अच्छे से मैं समझाया हूँ, आप रिवीजन बैच भी देख सकते हैं, वहां पे मैराथन में अच्छे से मैं समझाया हूँ एग्जांपल के साथ, तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, मिस्टर सोहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. तो यहाँ पे मिस्टर सोहन वो सबमिट किया है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए. तो क्या क्या इनकम है, पहले पर्टिकुलर से एंड यहाँ पे रुपीज दिया है. तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेड है 3,00,000 है इनकम फ्रॉम सैलरी. लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो ये आराम से सेटअप हो जाएगा 3,00,000 के साथ. ठीक है, ये 3,00,000 के साथ सेटअप हो जाएगा. उसके बाद और क्या दिया है, इनकम फ्रॉम सुगर बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम सुगर बिजनेस है 50,000, मीन्स ये स्पेसिफाइड बिजनेस है. ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है, ये ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस के साथ सेटअप हो सकता है, या आपका नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस जो भी नॉर्मल बिजनेस का लॉस के साथ सेटअप हो सकता है. उसके बाद लॉस फ्रॉम आयरन ऑन बिजनेस, लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस जो कि है डिसकंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 16-17 ये कंटिन्यू हो जाता है, तो इसके साथ ये सेटअप हो जाएगा. क्योंकि ये दोनों ही आयरन और एंड सुगर दोनों ही स्पेसिफाइड बिजनेस, तो दोनों का इनकम एंड लॉस सेटअप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो है 60,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000, तो ये दोनों सेटअप हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो सकता है. ठीक है, उसके बाद डिविडेंड, तो ये तो मेनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है. इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी विनिंग ग्रॉस, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी ये सेटअप नहीं होगा. उसके बाद विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये भी इनकम बन जाएगा. एग्रीकल्चरल इनकम, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 20,000 पूरा एग्जेम्प्ट है, तो ये इनकम नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर 1,111 है जो कि 10,000, तो ये भी सेटअप हो जाएगा. सेटअप तो नहीं हो सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है,
ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 40,000 है, तो ये सेटअप होने के बाद जो भी बचेगा लॉस ही बचेगा, तो इनकम भी नहीं है, तो इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट 5,000 है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, डीटीआई पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे डिडक्शन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंड कितना इनकम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अज्यूम दैट ही डज नॉट ऑफ सेक्शन नंबर 115 बीएस। तो चलो पहले सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सैलरी का इनकम था 3 लाख, उसमें से 40,000 डिडक्ट होने के बाद रहेगा 2,60,000 है सैलरी का इनकम। उसके बाद यहाँ पे सुगर बिजनेस का प्रॉफिट था 50,000, उसमें से लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस है 1,20,000, तो बैलेंस जो भी 70,000 रहेगा लॉस वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 60,000 का लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, तो यहाँ पे 20,000 जो भी लॉस बचता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है। हाँ, यहाँ पे डिविडेंड है 5,000, वो टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये भी टैक्सेबल बन जाएगा 50,000। उसके बाद 6,000 विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, ये भी टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम होता है एग्जेम्प्ट बन गया है। उसके बाद ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000 का जो भी लॉस, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं किसके लिए लॉस है इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक बैंक ऑन फिक्स डिपोजिट, तो ये टैक्सेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल कितना टैक्सेबल बन रहा है, तो यहाँ पे है 2,60,000 प्लस 55,000 प्लस 11,000, तो यहाँ पे टोटल है 3,26,000 है टोटल इनकम है। एंड कैरी फॉरवर्ड तीन इनकम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक 70,000 कैरी फॉरवर्ड, एक है 20,000 कैरी फॉरवर्ड एंड 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को, नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, मिस्टर बात्रा फर्निशेस दी फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए, मिस्टर बात्रा वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश किया है, तो पर्टिकुलर दे दिया है, अमाउंट रुपीज में दे दिया है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पे 1,40,000, तो गेन है। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 60,000 लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है आपका मेनली 30,000 है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर 1,00,000 है, तो यहाँ पे लॉस मेनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके साथ, ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउइंग करेंट ईयर डेप्रिसिएशन इनकम है 50,000 है, ये नॉर्मल इनकम है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये आपका स्पेशल इनकम है ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो सेटअप नहीं होगा, ओनली हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप होगा 1,00,000। उसके बाद लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो 40,000, ये दोनों सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेटअप हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया है, फॉलोइंग आर दी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे दिया है, जैसे लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 का है 25,000 का लॉसेस है। तो ये जो भी गेन है यहाँ पे, तो गेन के साथ सेटअप हो जाएगा। तो गेन एक है ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस का गेन है 15,000, तो उसके साथ सेटअप हो जाएगा। उसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल 60,000 लॉस पर्टेन टू असेसमेंट ईयर 14-15, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 14-15 का लॉस है, तो ये मेनली 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 14-15 से अगर 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये 8 असेसमेंट ईयर के अंदर आता है, तो इसलिए ये भी सेटअप हो जाएगा किसके साथ, ये जो 60,000 ये सेटअप हो जाएगा आपका बिजनेस गेन कहाँ गया, ये है 50,000 के साथ ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये सेटअप हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, जीटीआई पूछा है मेनली, कंप्यूट जी जीटीआई ऑफ मिस्टर बार्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी, ऑल्सो डिटरमाइन द लॉसेस एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा एंड कितना इनकम होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, ये 60,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड है एंड ये लॉस है, तो यहाँ पे 30,000 सेटअप होने के बाद जो भी 70,000 है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो दो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 50,000 है, बट लॉस यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे अगर देखें 10,000 का लॉस वो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस 15,000 है एंड ये लॉस है 25,000, तो यहाँ पे ये जो 10,000 है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे लॉस ही सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इनकम ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1,00,000 के साथ सेटअप होने के बाद जो भी 60,000 यही ओनली आपका टैक्सेबल होगा, और एक है 1,40,000
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो टोटल अगर इनकम करेंगे तो ये है 2 लाख है, एंड लॉस अगर देखेंगे यहाँ पे कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें लॉस 4-4 लॉस जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। तो पहला है स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 60,000, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे। 70,000 लॉस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। उसके बाद 10,000 का आपका ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, एंड आपका 10,000 का है आपका ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 4 को आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर ए फर्निसेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है। तो पहले दिया है कि पर्टिकुलर्स यहाँ पे है, एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। इनकम फ्रॉम प्लेइंग ऑफ व्हीकल्स कॉम्प्यूटेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है 3,20,000। He owned 5 light vehicles throughout the year. तो यहाँ पे मेनली इनकम फ्रॉम प्लेइंग ऑफ व्हीकल्स में है, तो यहाँ पे 44A में वो एंगेज है, तो यहाँ पे 3,20,000 नॉर्मली वो कैलकुलेशन किया है। उसके बाद इनकम फ्रॉम रिटेल गारमेंट्स है कॉम्प्यूटेड एज पर बुक्स है 7,50,000 है, एंड सेल्स टर्नओवर है 1,35,70,000 जो कि 2 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे भी वो 44AD के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे कैलकुलेशन से पहले नॉर्मली वो 7,50,000 हुआ है उसका नॉर्मल इनकम। मिस्टर ए हैड डिक्लेयर इनकम ऑन प्रेजेंटिव बेसिस अंडर सेक्शन नंबर 44AD फॉर द फर्स्ट टाइम इन असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 में, पिछले साल वो डिक्लेयर किया था। अजिम 10% ऑफ द टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 वाज रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ पे अजूम कर रहे हैं कि 10% ऑफ द जो भी टर्नओवर कैश में रिसीव किए हैं, एंड जो भी बैलेंस थ्रू अकाउंट पे चेक मीन 90% अकाउंट पे चेक में वो रिसीव किया है, एंड आपका 10% कैश में रिसीव किया है, एंड ऑल द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर वे आर ऑल्सो मेड थ्रू अकाउंट पे चेक और डेबिट कार्ड। मीन्स यहाँ पे 90% के लिए हम 6% लेंगे प्रेजेंटिव बेसिस के लिए, एंड 10% के लिए जो भी टर्नओवर उसके लिए लेंगे 8% प्रेजेंटिव बेसिस में। उसके बाद ही हैज ब्रॉट फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 2020-21 है 1 लाख। तो यहाँ पे अगर वो प्रेजेंटिव बेसिस में लेता है तो ये सेटअप नहीं होगा, अगर नॉर्मली वो लेता है तो वहाँ पे वो सेटअप होगा। उसके बाद कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 विद रीजन फॉर योर कंप्यूटेशन अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ 115 BSE। तो चलो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंप्यूट करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेंगे आपका नॉर्मली लेंगे, ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन में लेंगे। तो नॉर्मल ऑप्शन में पहले कंप्यूट करेंगे, तो नॉर्मल ऑप्शन में अगर कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो रहा है, तो जो भी लोअर इनकम होगा जो भी ऑप्शन में तो उसको प्रीफर करेगा एसएससी। तो यहाँ पे पहला है 3,20,000 प्लेइंग हायरिंग व्हीकल से, एंड दूसरा है 7,50,000 है। तो उसको अगर टोटल करेगा कितना होगा यहाँ पे 3,20,000 7,50,000, तो टोटल 10,70,000 हो रहा है। उसमें से यहाँ पे 1 लाख का एक डेप्रिसिएशन है ब्रॉड फॉरवर्ड, इसको भी रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे बच रहा है 9,70,000। तो 9,70,000 के ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, एंड इसका एज कितना है, एज है नॉर्मली है, तो चलो 2.5 लाख तक नील होगा। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक नील रहेगा, यहाँ पे 9,70,000 माइनस 5 लाख, तो ये होगा 1,06,500 है। एंड इसके साथ हम यहाँ पे 4% ऐड करेंगे, 4% अगर ऐड करेंगे HEC तो कितना होगा, तो ये होगा 4,04,260 रुपीज। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 1,10,760 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे है, एंड यहाँ पे अगर वो नॉर्मल स्कीम में इसका इनकम इतना है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंटिव बेसिस में देखेंगे तो कितना होगा इसका इनकम, तो प्रिजम्प्टिव बेसिस में देखेंगे उसका इनकम कितना होगा। तो प्रिजम्प्टिव बेसिस में अगर देखेंगे, पहला है प्लेइंग हायरिंग के लिए, ठीक है, प्लेइंग हायरिंग के लिए कितना होगा, प्लेइंग इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में है तो यहाँ पे कितना होगा, तो प्लेइंग इन व्हीकल्स के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे वो नॉर्मल व्हीकल है तो इसलिए 7,500 है, एंड ये 12 मंथ के लिए है उसके पास, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 व्हीकल है, ठीक है। तो कितना होगा इनकम यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकम होगा 7,500 मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई होगा 5, तो ये होगा 4,50,000 है। तो उससे ये ज्यादा इनकम है आपका नॉर्मल इनकम से। उसके बाद यहाँ पे और दूसरा है टर्नओवर वाला, ठीक है, टर्नओवर वाला है। तो टर्नओवर में हम पहले क्या करेंगे, तो टर्नओवर में पहले जो भी उसका टर्नओवर उसका 10% पहले लेंगे। तो यहाँ पे होगा 1 करोड़, कितना इनकम है उसका, तो उसका इनकम है टोटल टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है 1,35,70,000। तो इसका 10% लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 8% मल्टीप्लाई करेंगे,
उसके बाद वही 1,35,70,000 जो कि other than cash में है, तो वहां पे 6% होगा, तो उसका 90% जो कि 6% हम लेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे इनकम, तो हम देख लेते हैं 1,35,70,000 उसका 10% है, उसके बाद उसका 8%, तो ये होगा 1,08,560। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 1,35,70,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6%, तो ये होगा 7,32,780। तो अगर टोटल करेंगे तो ये भी आपका नॉर्मल इनकम से ज्यादा हो रहा है, तो हम नॉर्मल इनकम ही चूज करेंगे। एंड यहाँ पे भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि हम अगर प्रिज्यूमटिव बेसिस लेते हैं तो वहां पे अज्यूम होगा कि वो ऑलरेडी सब डिडक्शन क्लेम कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए भी कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकम कितना होगा, तो इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा इनकम 2,00,000 के साथ मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा उसका टैक्स कितना होगा 2,07,898। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्कीम से प्रेजेंटिव बेसिस में ज्यादा इनकम हो रहा है, बट यहाँ पे नॉर्मल स्कीम अगर वो लेता है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा एंड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, रिटर्न तो फाइलिंग करना पड़ेगा अगर वो प्रेजेंटिव बेसिस भी लेता है, बट उसको ऑडिट करना पड़ेगा एंड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी टर्न ओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, टर्न ओवर 1 करोड़ से ज्यादा है एंड यहाँ पे 10 करोड़ का जो भी ऑडिट एग्जेम्पशन आया है कि ऑडिट अगर 10 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे भी ऑडिट होगा, अगर वो पूरा ही 95% से ज्यादा अगर वो ऑनलाइन मीन्स अदर देन कैश मोड में अगर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अगर रिसीप्ट एंड बोथ पेमेंट करता है तो वहां पे 10 करोड़ का लिमिट देखेंगे, बट यहाँ पे 10% वो कैश में वो पेमेंट कर रहा है, रिसीप्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वो 10 करोड़ का ऑडिट का लिमिट नहीं लगेगा। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा है उसका टर्न ओवर, तो इसीलिए यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे ऑडिट करना पड़ेगा प्लस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल ऑप्शन चूज करता है। नॉर्मल ऑप्शन ही चूज करेगा क्योंकि नॉर्मल ऑप्शन में उसका टैक्स है 1,10,000, अगर वहां पे प्रेजेंटिव बेसिस देखेगा तो वहां पे 2,07,000 है जो कि डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, तो इसलिए प्रिफरेबल रहेगा कि वो नॉर्मल स्कीम में चूज करेगा देने के लिए, बट ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलो पढ़ते हैं। मिस्टर आदित्य फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए, मिस्टर आदित्य वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश किया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे दिया है एंड यहाँ पे अमाउंट दे दिया है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ए 25,000 लॉस है स्पेकुलेटिव बिजनेस का ए से, उसके बाद इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस बी 5,000, तो यहाँ पे ये सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ए के साथ बी सेटअप हो सकता है अगर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा, और बैलेंस जो भी 20,000 रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव में लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD, तो 20,000 का लॉस है, देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी वो है 3,00,000 है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2,50,000, बट मैक्सिमम 2,00,000 सेटअप हो सकता है, तो आगे देखते हैं 2,00,000 सेटअप हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस है, बिजनेस का इनकम है 45,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, तो अर्बन लैंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये सेटअप हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एसटीडी नॉटपैड, तो इसके साथ ये सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एसटीडी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल ऑफ शेयर्स, मींस ये 112A वाला इनकम है, इनकम तो नहीं है लॉस है, तो ये भी ये 2,00,000 के साथ सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये भी ये 2,00,000 के साथ सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और क्या दिया है, उसके बाद दिया है फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, दिया है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रिसोर्सेस, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2,000, यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं है सेटअप होने के लिए। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 5,000 रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 2017-18, तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो ये सेटअप हो जाएगा 5,000 किसके साथ, ये जो इनकम है 45,000 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कि टोटल इनकम कितना होगा मिस्टर आदित्य एंड सो दी आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में भी वही कर रहे हैं कितना अमाउंट टोटल इनकम है एंड कितना वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो चलो पहले प्रीवियस पेज में देख लेते हैं क्या क्या है, तो यहाँ पे वो 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लॉस जो भी है स्पेसिफाइड बिजनेस वो भी 20,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया है, सैलरी का इनकम, तो मैक्सिमम ये 2,00,000 तक सेटअप हो सकता है एंड जो भी बैलेंस रहेगा 1,00,000 वो इनकम बनेगा। एंड यहाँ पे जो 2,50,000 से जो 50,000 है ये जो हाउस प्रॉपर्टी का, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद है इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस 45,000 था, उसके साथ ये 5,000 सेटअप हो जाएगा, तो जो भी 40,000 है ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2,00,000 था, 2,00,000 से 2 डिडक्शन होगा, तो 2 डिडक्शन होने के बाद कितना बचेगा, 2,00,000 माइनस 75,000 माइनस 1,02,000, तो ये जाने के बाद 23,000 ये टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है, ये 23,000 टैक्सेबल बन जाएगा। और एक है यहाँ पे 2,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस, ठीक है, ये जो लॉस है 2,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल कितना इनकम है, तो इनकम अगर देखेंगे यहाँ पे है आपका 1,00,000 है एंड यहाँ पे है 63,000, तो टोटल 1,63,000 आपका टोटल इनकम रहेगा, 1,63,000 टोटल इनकम रहेगा एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉस है 2,000 का है, और क्या रहेगा, और यहाँ पे 20,000 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 4,000 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा एंड टोटल इनकम है 1,63,000। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा है कि मिस्टर गर्ग एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो फर्निश किया है दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 के लिए, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड इनकम दे दिया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटर दे दिया है 15,000 है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दे दिया है 66,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दे दिया है 10,800 है, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस ये लॉस है 15,000 है, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग ये सेटअप नहीं होगा या कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, ये लाभ हो जाएगा। दी अदर डिटेल्स ऑफ ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 आर एज फॉलोस। तो उसके बाद अदर कुछ ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दे दिया है, तो पर्टिकुलर से एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। तो पहला है ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 11,000 है, ये सेटअप हो जाएगा आपका बिजनेस इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा। उसके बाद है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम कुछ नहीं है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, यहाँ पे कंप्यूट करेंगे जीटीआई ऑफ मिस्टर गर्ग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ लॉस देखेंगे कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे यहाँ पे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है तो ये इनकम आ जाएगा 15,000, उसके बाद 66,000 था, उसके साथ ये ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सेटअप होने के बाद जो भी 55,000 है ये इनकम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यहाँ पे लॉस के साथ सेटअप हो जाएगा 10,800 के साथ 9,800 लेस होने के बाद जो 1,000 है वो इनकम बन जाएगा। उसके बाद लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसोर्सेस या हॉर्स रेस तो ये 15,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को। उसके बाद लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग ये सेटअप नहीं होगा या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है, नो सेटअप एंड नो कैरी फॉरवर्ड, नो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सेटअप नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो नहीं पाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ये 22,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल इनकम यहाँ पे कितना हुआ 15,000 55,000, तो टोटल हुआ 70,000 71,000, ठीक है। तो इनकम हुआ एंड कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे दो इनकम है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एक है 15,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 22,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एंड यहाँ पे 9,100 ये लॉस हो रहा है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू मिस्टर श्रीवास्तव, एक रेसिडेंट इंडियन है, एज है 57 इयर्स, रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे फॉलोइंग डिटेल्स दिया है मिस्टर श्रीवास्तव का, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड वो इंडियन का रेसिडेंट है, एज है 57 इयर्स, उस इन्फॉर्मेशन दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया है कंप्यूटर 2,20,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सेटअप हो जाएगा दोनों इच अदर। उसके बाद लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस मीन नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, ये तो सैलरी के साथ सेटअप नहीं होगा, ये मेनली आपका अदर इनकम के साथ सेटअप होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस तो इसके साथ ये सेटअप हो सकता है। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड ऑन 35 तो ये स्पेसिफाइड इनकम के साथ सेटअप होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम कार्ड गेन ये आपका सेटअप नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपका गैम्बलिंग जैसे है ये आपका लॉस हो जाएगा, बट इनकम फ्रॉम बेटिंग ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है 45,000, तो यहाँ 45,000 देख लेते हैं यहाँ पे
कितना पूछा है, टोटल इनकम पूछा है, तो यहाँ पे एटीसी में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड सो द इनकम एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, इनकम आइटम कैरी फॉरवर्ड होगा एंड ई डज नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 115 बीएस। तो चलो यहाँ पे पहले ये सैलरी इनकम के साथ सेटअप कर देंगे ये जो हाउस प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे 30,000 टैक्सेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे 30,000 टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका उसके आपका है 30,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके बाद है लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस है 2,40,000 लॉस है, तो लॉस पहले ये स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेटअप होगा। बैलेंस यहाँ पे जो 2,10,000 रहेगा उसके देखते हैं अदर कैपिटल गेन का कोई भी इनकम है क्या उसके साथ सेटअप होने के लिए, उसमें लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000। उसके बाद है 2,50,000 है आपका इनकम है, उसके साथ हम सेटअप करेंगे ये जो 2,50,000 के साथ यहाँ पे सेटअप करेंगे ये जो 2,10,000 बैलेंस बचा था किसका, ये जो बिजनेस का था, तो इसको हम सेटअप करेंगे। इसको सेटअप करने के बाद जो भी 40,000 बचेगा वो बन जाएगा इनकम, ठीक है, ये जो 40,000 बचेगा ये इनकम बच जाएगा किसका, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। उसके बाद लॉस फ्रॉम कार्ड गेम ये सेटअप नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा 32,000, ये लॉस हो जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम बेटिंग, ये 45,000 इनकम बन जाएगा। उसके बाद है देख लेते हैं और क्या है क्या नहीं है, तो टोटल इनकम कितना है यहाँ पे 45,000 प्लस 70,000, तो टोटल हो रहा है 1,15,000। यहाँ पे एटीसी में डिडक्शन देखेंगे कितना होगा, तो एटीसी में डिडक्शन के लिए एटीसी में डिडक्शन मेनली 45,000 एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, 45,000 एलिजिबल हो जाएगा, बट यहाँ पे इनकम होना चाहिए आपका नॉर्मल इनकम, तभी ये सेटअप होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सेटअप नहीं होगा, आपका डिडक्शन के लिए नहीं अलाउ होगा। उसके बाद ये जो आपका इनकम फ्रॉम बेटिंग ये भी एलिजिबल नहीं होगा, ये जो डिडक्शन के लिए ओनली आपका 30,000 एलिजिबल होगा, तो इसलिए ये 30,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। 45,000 अलाउबल है बट यहाँ पे एलिजिबल कितना होगा, एलिजिबल 30,000 होगा, तो बैलेंस जो भी रहेगा यहाँ पे 85,000 टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 85,000 आपका टैक्सेबल बन जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, आज ये क्वेश्चन नंबर 8 को, एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, तो कैरी फॉरवर्ड एक ही इनकम है, जो कैरी फॉरवर्ड होगा 20,000 एंड यहाँ पे आपका लैप्स हो जाएगा 32,000 लैप्स हो जाएगा। उसके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है मिस्टर रजत सबमिट दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो यहाँ मिस्टर रजत वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिट किया है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 के लिए। ही डिजायर्स दैट यू दी शुड कंप्यूट टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे एंड एसर्टेन करेंगे कितना अमाउंट को भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वही हम करते हैं। तो यहाँ पहले पर्टिकुलर से एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है, तो चलो ये थोड़ा ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बड़ा है बट आंसर बहुत ईजी है। तो यहाँ पहले उसका टू हाउसेस है, एक है हाउस नंबर 1 है इनकम आफ्टर ऑल स्टैट्यूटरी डिडक्शन 72,000, हाउस नंबर 2 है करंट ईयर लॉस है 30,000, तो ये दोनों सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है ही हैज 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस है, पहला है टेक्सटाइल बिजनेस, दूसरा है केमिकल बिजनेस, तीसरा है आपका लेदर बिजनेस। तो टेक्सटाइल बिजनेस में डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2021 जो कि करंट ईयर लॉस है 40,000 है। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 17-18 से 95,000 है। उसके बाद डिसकंटिन्यू फ्रॉम केमिकल बिजनेस का डिसकंटिन्यू हो गया था 5 मार्च 2019 में है, जो कि हेंस नो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। उसके बाद बैड डेट अलाउड इन अर्लियर ईयर्स रिकवर्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, मीन्स यहाँ पे पहले अर्लियर ईयर में बैड डेट अलाउड था, तो यहाँ पे अलाउड था बट अभी वो रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पे वो इनकम बन जाएगा पीजीबीपी का। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम 18-19 से वो 50,000 का पीजीबीपी लॉस है, 18-19 का है 50,000 जो कि केमिकल बिजनेस का है। उसके बाद लेदर बिजनेस का प्रॉफिट है 1,00,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें प्रॉफिट टोटल कितना होगा, यहाँ प्रॉफिट टोटल होगा एक है यहाँ पे 35,000 है जो कि बैड डेट रिकवर हुआ है एंड लेदर बिजनेस का प्रॉफिट है 1,00,000 है, तो यहाँ पे दो प्रॉफिट है। लॉस देखें कितना है, तो लॉस है टोटल यहाँ पे लॉस पहले तो करेंट ईयर का लॉस सेटअप होगा, तो करेंट ईयर का लॉस यहाँ पे है ये वाला लॉस, तो ये तो पहले सेटअप होगा क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन करेंट ईयर लॉस सेटअप होगा। उसके बाद हम देखेंगे पुराना ईयर का लॉस है, तो पुराना ईयर में देखेंगे सबसे पुराना वाला ईयर लॉस कौन सा है, तो पुराना वाला यहाँ पे 17-18 का लॉस है एंड यहाँ पे 18-19 का लॉस है, तो सबसे पुराना है ये 17-18 क्योंकि ये लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए हम पहले सबसे पुराना वाला लॉस को सेटअप करेंगे जो कि 95,000 है। तो यहाँ पे ये सेटअप हो गया है, अभी नील बन गया है, तो यहाँ पे नील बन गया है एंड ये जो 50,000 इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को, क्योंकि यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं है तो सेटअप होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए फार्म इन व्हिच ही इज ए पार्टनर सिंस 2018, मीन शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर फार्म से रिसीव करेगा तो वो एग्जेम्प्ट बन जाएगा, ठीक है, उसके हाथ में वो एग्जेम्प्ट बन जाएगा। उसके बाद और क्या है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 60,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 35,000, ये सेटअप नहीं हो पाएगा। उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन टू LIC टुवर्ड्स प्रीमियम, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू LIC 10,000 का ही ये डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलो पहले इनकम देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हाउस नंबर वन का था 72,000 एंड ये है 30,000, ये डिडक्ट होने के बाद 42,000 है आपका इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से। उसके बाद बिजनेस से इनकम तो नील हो गया एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो कि मैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे एक इनकम है 60,000 का इनकम है, ये इनकम है। तो और क्या है यहाँ पे, ये जो लॉस 35,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं होगा, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे है, टोटल है अगर 1,02,000 है, एक 60,000 और एक 42,000, उसमें से यहाँ पे ATC में एक डिडक्शन मिल जाएगा जो कि 10,000, तो ये डिडक्ट होने के बाद रहेगा 92,000 टोटल इनकम। एंड कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, कैरी फॉरवर्ड एक यहाँ पे 35,000, दूसरा जो ऊपर वाला पेज में है 50,000, तो टोटल 85,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इजी है ये सेटअप कैरी फॉरवर्ड, इजी है, अगर आप हमारा नोट्स को रेफर करेंगे तो आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा। तो चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिस गीता एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मिस गीता एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए, उनकी जो भी इनकम वो प्रोवाइड किया, इनकम या लॉस है, ठीक है। पहला है वो सैलरी रिसीव एज ए पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फार्म 7,50,000, तो पहले है वो सैलरी रिसीव किए हैं पार्टनरशिप फार्म से 7,50,000, सेम वाज अलाउड टू द फार्म, तो ये अलाउ हो जाता है फार्म में, तो ये अगर अलाउ हो जाएगा फार्म तो उनके हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उनके हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फार्म को अलाउ हो जाएगा मीन्स इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, फार्म के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, अलाउ मीन्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन BSE 3,00,000 है, शेयर्स वेयर हेल्ड फॉर 15 मंथ एंड STD पेड ऑन सेल ऑफ एक्विजिशन, मीन्स यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, 3,00,000 का है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर 5,00,000, तो इसके साथ ये सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके साथ ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद है 51,000 इन कैश फ्रॉम फ्रेंड्स इन पैटी, मीन्स ये आपका IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 55,000 रिसीव टुवर्ड्स डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा IFRS में, ठीक है, ये भी IFRS में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 है 12,50,000, तो यहाँ पे ये जो सैलरी रिसीव कर रहे हैं इसके साथ ये सेटअप हो जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, उसका GTI कंप्यूट करेंगे मिस गीता की फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो पहले देखेंगे यहाँ पे ये जो 7,50,000 के साथ हम सेटअप करेंगे 12,50,000 पे, तो बैलेंस जो भी 50 यहाँ पे नील हो जाएगा इनकम एंड बैलेंस जो 5,00,000 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3,00,000 के साथ यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये सेटअप हो जाएगा, बैलेंस जो भी 2,00,000 यहाँ पे 2,00,000 यहाँ पे ये दोनों सेटअप हो जाएगा, ठीक है, 3,00,000 एंड यहाँ पे भी 3,00,000 सेटअप हो जाएगा एंड जो भी बैलेंस ये 2,00,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक, ये 2,00,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद और क्या है यहाँ पे एक फ्रेंड से गिफ्ट मिला है 51,000 वो भी टैक्सेबल हो जाएगा एंड 55,000 यहाँ पे रिसीव किया है डिविडेंड ये टैक्सेबल बन जाएगा एंड यहाँ पे तो वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे टोटल इनकम बन जाएगा 2,00,000 प्लस 51,000 प्लस 55,000, तो टोटल यहाँ पे 3,06,000 टोटल इनकम बन जाएगा एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यहाँ पे 5,00,000 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका नेक्स्ट पेज में है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर पी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मिस्टर पी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम, तो वो फर्निश किया है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फर्निश किया है एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 का अदर डिटेल्स भी वो प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो अदर डिटेल्स भी प्रोवाइड किया है। तो क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दे दिया है। तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 18,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद सेकंड आई में नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है 70,000, तो उसमें से हमको जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू NAV यहाँ पे पूछा है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है 80,000 है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 12,000 है, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लॉस यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 15,800 है, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे 9,000 है एंड लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग ये लॉस आपका सेटअप नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लैप्स हो जाएगा। उसके बाद है
डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कम टू 8000 फॉर व्हिच नो ट्रीटमेंट इज गिवन अबव। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस से सेटअप हो जाएगा 8000, ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या दिया है और क्या दिया है यहाँ पे द अदर डिटेल्स ऑफ अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 दे दिया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया एंड रुपीज दे दिया। अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन दे दिया है 9000, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है 16000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 7800। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 18000 है। उसके बाद यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू है 70000 है, तो 70000 से हम 30% डिडक्ट करेंगे। तो 30% जो भी है स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है हम डायरेक्ट, एंड म्यूनिसिपल जो भी टैक्स नहीं है तो डायरेक्ट हम 70% कैलकुलेशन अगर करेंगे ये रहेगा आपका 49000। तो ये नेट एनुअल वैल्यू बनेगा 49000 है, ठीक है, ये रहेगा 49000। उसके बाद बिजनेस का इनकम है 80000, तो यहाँ पे 80000 है। तो 80000 से हम पहले ये जो 8000 डिडक्ट करेंगे और एक है जो उस नेक्स्ट पेज में है यहाँ से देख लेते हैं जो कि 9000 है, तो इसको डिडक्ट करेंगे। तो ये तीनों को डिडक्ट करेंगे, मीन्स पहले से दोनों को डिडक्ट अगर करेंगे तो कितना होगा 80000 माइनस 8000 माइनस 9000, तो ये 63000 बन जाएगा ये जो बिजनेस का इनकम है। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, तो नेक्स्ट पेज में स्पेकुलेशन बिजनेस है क्या, हाँ नेक्स्ट पेज में स्पेकुलेशन का बिजनेस लॉस है। तो लॉस को हम सेटअप करेंगे, यहाँ पे 12000 था बट वहां पे है 16000 है, तो यहाँ पे 12000 रिड्यूस कर देंगे एंड बाला जो भी 4000 नेक्स्ट पेज में है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, लिख लेते हैं बैलेंस ये जो 4000 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट एसेस में ईयर को। उसके बाद है और क्या दिया है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नेक्स्ट पेज में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉस कितना है 7800 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे 15800 है उसमें से हम 7800 डिडक्ट करेंगे एंड जो भी बैलेंस बचेगा जो 8000 ये टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस, इनकम तो नहीं है नेक्स्ट पेज में, तो ये क्या होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या सेटअप भी नहीं होगा, और इनकम नहीं है नेक्स्ट पेज में तो हम क्या करेंगे इसको टोटल कर देंगे। तो टोटल अगर करेंगे टोटल 18000 प्लस 49000 प्लस 63000 प्लस 8000, तो टोटल यहाँ पे इनकम हो रहा है 138000 है एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे दो दो लॉस है, पहला है 9000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस में, दूसरा है आपका नेक्स्ट पेज में 4000 का एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे है, और एक है आपका गैम्बलिंग का जो लॉस है ये सेटअप नहीं हो पाएगा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा तो ये लॉस हो जाएगा जो कि है आपका 8000 का है। तो यहाँ पे आपका टोटल ये जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस खत्म होता है ये चैप्टर, तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 11 में हम देखेंगे कैपिटल गेन, उसके बाद आप देखेंगे टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वीडियोज आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे अपलोड होता है एंड रेगुलरली अपलोड होता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए आपके बेनिफिट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।